नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। सतना जिले में सेवा सहकारी समितियों द्वारा संचालित की जा रही शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सेल्समैनों की तानाशाही और मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि बीते लगभग एक माह पूर्व सतना जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण सहित जाँच के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जिले की मझगवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरा की शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन के ऊपर ग्रामीणों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि सेल्समैन सत्यनारायण मिश्रा द्वारा कभी भी समय पर ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जाता है और जब कभी भी वितरित किया जाता है तब 2 माह का अंगूठा लगवाकर 1 माह का राशन दिया जाता है। अगर कभी ग्रामीणों द्वारा सेल्समैन के समय पर और प्रत्येक माह राशन वितरण के लिए कहा जाता है उस स्थिति में सेल्समैन द्वारा ग्रामीणों को धमकी देते हुए कहा जाता है कि चाहे जहां शिकायत करो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे हालात तो जिले के केवल एक ग्राम पंचायत में नहीं बल्कि लगभग पूरे जिले का यही हाल है, जहां खुलेआम गरीबों के हक में डाका डाला जा रहा है लेकिन शायद कोई देखने सुनने वाला नहीं है। पर्ची लगवा के 1 महीना का देते हो या कुछ? केवल चाउर गेहूं भर बस। तो अभी आप लोग जो भी यहाँ सब एकत्रित हैं तो कब से नहीं दे रहा राशन? राशन 1 महीने का तो भी नहीं दी यहाँ, 2 महीने पर्ची नहीं डाल, पर्ची भी नहीं देते हैं? हाँ, पर्ची धारे नहीं दी। नाम क्या आपका? जी जी सर, मेरा नाम लाल बहादुर साकेत है। यहाँ ये जो देवरा सोसाइटी है तो यहाँ 2 महीना का अंगूठा लगवा लिया जाता है और एक महीना का गल्ला दिया जाता है और बोलने पर तानाशाही और कुटाई बताया जाता है। क्या नाम है? सत्यनारायण मिश्रा। ये की शिकायत सर अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं की है, ये हम लोग पहली शिकायत करने जा रहे हैं, ये परेशान होकर। कब से ऐसा खेल कर रहे हैं ये? ये सालन से सर चल रहा है, सभी गरीब आदमियों को राशन नहीं देते। जितेंद्र कुमार साकेत है। मुझे सर यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या करते हैं, 1 महीने का अंगूठा जो है तो 2 महीने का लगवा लेते हैं, 1 महीने का गल्ला देते हैं। आज मैं 8 दिन से भटक रहा हूँ सर कि मुझे गल्ला दे दिया जाए, लेकिन मुझे गल्ला नहीं मिल रहा। ये बोलते हैं तुम्हारी पर्ची जमा है, जब होगा तो हम दे देंगे, तुम कहे परेशान नहीं मिल रहा। ये बोलते हैं तुम्हारी पर्ची जमा है, जब होगा तो हम दे देंगे, तुम कहे परेशान हैं। ये स्थिति है, जब गांव वाले हम सब इकट्ठा होते हैं तो यही बोलता कि जो जिसको करना हो तो करते रहो, हम गल्ला न देंगे, जब हमारा इच्छा होगा तब देंगे। वो भी नवंबर दिसंबर का अंगूठा लगवा लेते हैं, नवंबर का खाली गल्ला दे रहे हैं। ये ऐसा कब से कर रहे हैं? ये सर है तो सालों से, ये यही हाल मेरा मई के महीने में किया गया था पिछले साल, लेकिन जब मैं मझगवा गया, मझगवा में अपना चेक करवाया, अंगूठा लगाया, तो उन्होंने वहाँ का कोटेदार बोला कि आपका गल्ला निकल चुका है। फिर मैं जाके सर बिरसिंहपुर में कोटेदार से मिला, सत्यनारायण मिश्रा से जी से हैं, तो उन्होंने फिर मुझको एक ब्राह्मण के यहाँ से गल्ला दिलाया गया, लेकिन कोटे से यहाँ नहीं दिलाया। उन्होंने सोचा कि मतलब इन्होंने शिकायत करेगा, इस कारण से मेरे को फिर वहाँ गल्ला नहीं दिया गया, यहाँ वहाँ मिला एक ब्राह्मण के यहाँ से। जी सर, से चल रही है शिकायत। और राशन में खाली गेहूं और चावल अधिकतर दिया जाता है, और गेहूं 2-4 किलो 5 किलो तक दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता, और नवीन मिला नहीं। बच्चों का है तो मूंग आया था हमारे, तो बच्चों का मूंग भी नहीं दिया गया आज तक, उन्होंने बोलते हैं कि अभी आया ही नहीं। कई बार बोले कर चुके हैं, तहसीलदार के पास गए, मझगवा में गए, तो उन्होंने बोलते हैं ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 181 में भी कॉल किया है सर, उसमें भी किया, तो आज तक वहाँ 181 से फोन नहीं आया सर। जी, नाम क्या आपका? जितेंद्र कुमार साकेत।